और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी, और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी, उन खाली बर्तनों को भर के दिखाएगा। और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी, उन खाली बर्तनों को भर के दिखाएगा। मौसम चाहे कितना भी ख़राब हो, मौसम चाहे कितना भी ख़राब हो, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा, अपने मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। मेरे हालात कहते हैं तू वापस मुड़ जा, और मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, मेरे हौसले कहते हैं तू करके दिखाएगा, मेरे हौसले कहते हैं तू करके दिखाएगा। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो भाई, जब मैं नीट की एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे साथ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हुई थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो सके। देखिए भाई, जब मैंने देखा भाई इसका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, तो ड्रेस कोड के बारे में लोगों ने इतना ज़्यादा आप लोगों को बहका दिया, इतना ज़्यादा वो कर दिया कि जो अगर आप लोग अब पहन कर जाते हैं वो चीज़, क्या कि वो जब तो गर्मी थी इसलिए वो सहन कर लिए थे हम, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमको। देखिए हम, मैं जो था, मैं अपने एक सिंगल टी शर्ट में गया था और साथ ही एक सादा पैंट था उसमें मैं वहाँ पर चला गया था। मैं सोचा यार क्यों, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। उन लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि अगर आप लोग फुल बाजू की जो है, फुल बाजू की शर्ट पहन कर जाएंगे तो आप लोगों की जो है वहाँ से आप लोगों की क्या शर्ट को काट दिया जाएगा, अगर आपके कानों में कोई इयररिंग्स हैं तो आपके इयररिंग्स को काट दिया जाएगा, और बहुत सारी अफवाहें फैलाई थी। बट ऐसा वहाँ पर कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिला। बस उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास में कोई मेटल की चीज़ है तो आप उसे प्लीज़ बाहर निकाल दीजिएगा। तो मेरे पास, मैं पता है कि आप लोगों को, मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गया था तो मुझे पहले डर था कि यार पता नहीं क्या कुछ ले जाने देंगे नहीं, तो ये वॉच थी, ये भी सब कुछ मैं यहाँ पे घर पे छोड़ के गया। बस सिंगल टी शर्ट डाल के गया था और पैंट डाल के गया था, उसके अलावा बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं था। जो भी पैंट भी था वो भी मैंने क्या किया था, अर्जेंट में सिलवाया था, वो भी ढीला था, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वो जो है, मैं बेल्ट भी नहीं लगाकर जा पाया, ठीक है। तो बेल्ट की तो वहां पर अलाउ होता ही नहीं है, ठीक है। साथ ही वॉच की भी वहां पर अलाउ नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो है इतनी डिजिटल वॉच आने लग गई कि आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग जो है शर्ट डालकर जाते हैं, चाहे वो फुल बाजू की हो चाहे हाफ बाजू की हो, आप लोगों को चलेगा। बट अगर आप लोग जो है जैकेट डालकर जाते हैं या जर्सी बोलते हैं, अगर आपके पास में देखिए इस तरीके का कोई जैकेट वैकेट है, तो अगर उसमें बड़े वाले जो है बटन है तो वो आप लोगों के बटन को काट सकते हैं, आपके जैकेट को खुलवा, अगर आप लोग नहीं काटने देंगे तो आपके जैकेट को वो खुलवा कर साइड में रख देंगे। साथ ही आप लोगों को शूज बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। बट आप लोग अगर शूज पहनकर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहनकर जाइए, और आप लोग शूज और जो मोजे होते हैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि भाई मोजे के अंदर जो है ये कोई चिट विट छुपा कर ला सकते हैं और चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए बता देता हूँ क्या क्या नहीं पहनकर जाना है। आप लोग सिंपल जो है सादा अपनी ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, जींस पहनकर जा सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि आपके जो जींस है उसमें आप के ज्यादा मेटलिक चीज नहीं होनी चाहिए। जो चैन होती है वो अगर मेटल की है तो भी चलेगा, बट अगर उसमें ज्यादा मेटल ही मेटल की अगर चीजें हैं तो वो जब स्कैन करते हैं इस तरीके से, और अगर वो मशीन जो है उन मेटल ही चीज को डिटेक्ट कर लेती है तो आप लोगों के जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं मेरे जो जब मैं मेरी जब चेक कर रहे थे मेरे को, तो मेरे अगले वाले दो बंदे थे, उन्होंने खूब जींस का पैंट पहन रखा था, बट वो मशीन ने डिटेक्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों, तो और वो जो है पहनकर चले गए थे, ठीक है। अब जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। भाई मैं भी गया था और मैं जो है सेंटर पर पहुंच गया था, मेरी एग्ज़ाम थी 2 बजे से 5 बजे की थी एग्ज़ाम, और मैं वहां पर 12 बजे पहुंच गया था, ठीक है। और 12 बजे पहुंचने के बाद भाई मैंने क्या किया कि मेरे साथ पापा गए थे, तो मैंने जो है वहाँ पर एंट्री ले ली। कितने बजे, 12 बजे जाते ही मैंने एंट्री ले ली, अपनी एक फ़ोटो और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और अपना परमिशन लेटर दिखाया, और दिखाते ही और मेरे को एंट्री दे दिया, बोले आप जाओ अंदर। मैं चला गया भाई, 2 घंटे तक बैठे बैठे भाई, आप लोगों से मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग जाते हैं तो आप कभी भी 1 या 2 घंटे पहले एंट्री ना ले भाई, आप लोग जो है रूम में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। भाई मैं
भी बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, मेरा सिर जो था वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है सैनिटाइज़र और मास्क से कि भाई सिर दर्द करे, मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द किया था उन्होंने जो मास्क दिया था उससे। तो आप अपना मास्क लगा कर रखें, अगर आप लोगों से वो बोलते हैं कि आप लोग मास्क चेंज कीजिएगा, शायद आप लोगों को वहाँ पर मास्क अलग से दिया जाए। मैं गया था तो नीट की एग्जाम थी, मेरे को अलग से मास्क दिया गया था N95, एक नया मास्क दिया गया था सभी को, आपको भी दे सकते हैं। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को वो जो मास्क है वो सूटेबल नहीं होता है तो आप सर से बोल सकते हैं कि सर ये मास्क मेरे को सूटेबल नहीं है, आप लोग एक बार इसकी चेक कर लीजिए, जो मास्क है इसको मैं यही मास्क यूज में लूँगा, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अगली अपनी बात रहेगी, देखिए अगली जो अपनी बात रहेगी वो ये रहेगी, देखिए अगली अपनी जो बात रहेगी वो कई लोगों को डाउट होता है कि भाई हम जो है अगर वो एमआर सीट में अपने रोल नंबर गलत भर दें। तो देखिए सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो एग्जामिनर जो होता है वो आप लोगों से बोलता है कि आप लोग कहीं भी कोई भी चीज़ गलत मत भरिए, हमसे पूछ कर भरिए। तो आप लोग अगर कुछ भी चीज़ भरना है तो आप लोगों को सर से, यानी कि वहाँ पर जो एग्जामिनर जो होता है उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को ना ही तो डांटेंगे और ना ही आप लोगों से ज़्यादा कुछ कहेंगे, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी होती है बस इतना ही होती है कि आप लोग बच्चे से ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर और साथ में अगर आप चाहें तो एक पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं अगर आप लोगों को प्यास व्यास लगती है तो। बट जब मैं जयपुर एग्जाम सेंटर पर गया था तो मेरे को तो मैं 2 या 3 बार खूब पानी पीने गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पर मेरे को जो है जब अजीब ही तरीके से एक घुटन सी हुई और मेरा सिर दर्द करने लग गया था। तो अगर आप लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपका पेपर जो है वहां पर खराब हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अगर बोर्ड वोर्ड की एग्जाम दे रखी है, मुझे पता है शायद 12th वालों ने इस साल तो नहीं दी थी, यानी पिछली साल नहीं दी थी, बट 10th की और 8th की जो है आप लोगों ने शायद बोर्ड की एग्जाम दी होगी। जिस तरीके से आप लोगों का वहां पर एक्सपीरियंस रहता है सिर्फ उसी तरीके से रहेगा, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, आप लोगों को बस एक बार चेक किया जाएगा जब आप गेट से एंट्री ले लोगे तब आप लोगों की फ़ोटो चेक की जाएगी, हाँ भाई ओरिजिनल यही आदमी है, आप लोगों को ले लिया जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल भी फर्जी नहीं हैं तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बात करें कि आप लोग क्या क्या डालकर जा सकते हैं, तो आप लोग सैंडल अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग डालकर जा सकते हैं, अगर आप लोगों के पास में चप्पल है यानी कि जो स्लीपर बोलते हैं वो आप लोग डाल कर जा सकते हैं, आप लोगों की कोई वहां पर चेकिंग नहीं की जाएगी। अगर आप बेल्ट लगा कर जाते हैं तो फिर आप लोग बेल्ट को आप लोगों को खोलना पड़ेगा बाहर को। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स जो है अगर पहनकर जाती हैं स्वेटर यानी कि अपने जो सूट सलवार जो होते हैं वो पहनकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट जींस डालकर भी जा सकते हैं। बट अगर आप लोग जो है, मैंने आप लोगों को क्या कहा, क्योंकि अभी जो है मैं अभी एक एग्ज़ाम और दिलाने गया था भैया की, वो BDO की जो एग्ज़ाम होती है उसमें, तो वहाँ पर जो है जैकेट को खुलवा लिया गया था, क्यों, क्योंकि उसमें जो चैन थी वो मेटल वाली थी, इसलिए मेटल की जो चीज़ होती है उसको अगर वो मशीन डिटेक्ट कर जाती है तो फिर आप लोगों को खोलना ही पड़ेगा, चाहे जींस का पैंट हो चाहिए या फिर अगर आप लोग नहीं खोलना चाहते तो फिर वो जो मेटल की चीज़ होती है उसको काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई अपनी ड्रेस कोड की। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पास परमिशन लेटर है, ये जो परमिशन लेटर है यहाँ पर, इस परमिशन लेटर में आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है और बाद में इसकी जो सारी प्रक्रिया होगी वो अपने एग्जामिनर जो अपने एग्जाम लेने आएंगे ना वो करवा देंगे आपके, ठीक है। साइन वाइन जो भी करवाना होगा वो खुद करवाएंगे, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है। फ़ोटो आप लोग यहाँ से चिपका कर ले जा सकते हैं, और अगर चिपकाने की कोई सुविधा भी नहीं है तो आप फोटो को ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे दिखाना है, बस गेट पर एक बार बाहर दिखाना है, एक बार ऐसे परमिशन लेटर ऐसे दिखाना है और आप लोग अंदर चले जाओगे, ठीक है। वो भेज देगा अगर आप लोगों के पास में फोटो और आपकी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, या देखिए अगर कई लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं होगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। किस 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो लेकर जा सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को 10th की जो मार्कशीट है वो बाहर जो गेट पर जो होते हैं जो उनको दिखाना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से। और अंदर जाते ही आप लोगों को जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं फील करना है, आप लोगों को जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस फील, यानी कि ऐसे नहीं सोचना है कि हम एग्जाम देने आए हैं, अपने माइंड को थोड़ा खुला रखना है। क्या है कि हम जब जो रूम होता है जब हम उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं एग्जाम देने के बाद, तो हमारे माइंड में बहुत सारे जो विचार आते हैं भाई कि एग्जाम में अगर हमसे ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना है, बिल्कुल शांति से आप लोगों को रिलैक्स होना है,
और एक बात बता देता हूँ, एग्जाम देने से आधी घंटे पहले आप लोग रूम में जा सकते हैं। अगर आप लोग एक डेढ़ घंटे या दो घंटे पहले अगर जो है रूम में के अंदर एंट्री ले लेते तो आप लोग बोर हो जाओगे और आपके जो है किस पेपर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बता रहा हूँ आप लोगों के जो हो सकता है वो बता रहा हूँ, मेरे साथ में जो हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नीट की एग्जाम मैंने दिया था। अब देखो, और अब देखिए पेपर जैसे ही आएगा ना तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आप लोगों को देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको मान लेते हैं देखिए एग्जाम के लिए रवाना आप लोगों देखिए, और कई सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए क्या। तो मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए कि जो गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो विलेज से बिलोंग करते हैं, वो जो हैं इतनी ज़्यादा वो नहीं होते कि वो 500 रुपये देकर, 800 रुपये देकर या 300 रुपये देकर एक रूम लें और रूम लेकर वहाँ रहें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आप लोग बता देना। बट अगर कोई शहर का है, मतलब कि कोई दूर से आ रहा है वो आ सकता है, बट अगर कोई जैसे कोई दौसा ज़िले से है, अलवर ज़िले से है, ऐसे कोई है, अगर पास से है कोई, मतलब कि दौसा डिस्ट्रिक्ट से, अगर मैं प्रॉपर करते हूँ कि दौसा डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई है तो वो एक दिन पहले रूम पर ना जाए, ऐसा मैं बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर वहाँ पे कोई घटना घटित हो जाए तो आपका जो माइंड है वो उसी तरीके से आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और जा भी नहीं सकते ना ऐसे यार, 500 रुपये देंगे, कौन देगा 500 रुपये, घर से जाएंगे, क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी अभी सही कर दिया है, 1 से और कितने बजे तक, 3 बजे तक का आपका टाइम रखा है, कितना, 1, 2, 3, यानी कि 1 से 3 बजे तक का टाइम रखा है। तो इसमें कोई ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं है, जो सर्दी को देखते हुए आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम हुई थी 2020-21 में, यानी कि जब एग्ज़ाम हुई थी तो वहाँ पर आपका टाइम था 10 से 12 का, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता अगर टाइम 10 से 12 का हाथ हो, लेकिन अब 1 से जो टाइम है वो सही टाइम है, ठीक है। अब देखिए कई लोग जो है नहीं जा सकते तो आप लोग जो है मत जाइएगा, आप लोग सुबह निकल लीजिएगा 8 बजे आप लोग घर से निकल लीजिएगा, आप इजीली वहाँ पर 10-11 बजे आराम से पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा, और लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम अगर 1 बजे से है तो वहाँ पर आप लोगों को जो एंट्री है वो 12 बजे दी जाएगी, बट आप लोग जो सेंटर है उसके बाहर थोड़ा बैठ लीजिएगा, आप लोग जो है जाते ही एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग घबराए हुए रहते हैं तो आप लोगों को जो आप लोगों की एंट्री सही वो नहीं होगी, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि आप जो है जल्दी ना जाए, बस एक बात ये है, 1 बजे है तो आप 12:30 बजे एंट्री ले लें, या 12 बजे एंट्री तो वहां पर बताया है, लेकिन 12:30 बजे आप एंट्री ले लें भाई, ये है। और पैन की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग OMR भरना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें OMR भरने की तो देखिए, अगर सबसे पहले आप लोगों को जो पेपर करना है वो बायोलॉजी का करना है, और बायो का अगर आप लोग पेपर कर लेते हैं तो अब आप लोगों को उसका OMR भर देना है। और OMR में मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने जो है OMR ही गलत भर दी भाई OMR ही गलत भर दी मैंने तो, और जब घर पे आके देखे तो भाई यार पता नहीं चला, जब रिजल्ट आया तब पता चला भाई कि OMR ही गलत हो गई यहाँ पे। तो मैं OMR जो आप लोगों को भरना है वो कुछ इस तरीके से भरना है, मैंने भाई जल्दीबाजी में OMR भरी थी, कैसे, मैंने पहले तो पूरे क्वेश्चन कर लिए भाई, पहले फिजिक्स बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन कर लिए, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन करने के बाद और फिर मैं जो है भरा गया कि 55 में ये 56 में ये 57 में ये 58 में ये, तो इस तरीके से जो है मेरी OMR जो थी वो गलत हो गई थी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से सभी ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक नहीं निकाला है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ, 9828306559, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास कंप्यूटर रखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर मेरे पास प्रिंटर भी है, तो अगर आप लोगों का नहीं निकला है तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल बटन होता है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, और फिर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि भाई हमारा नहीं निकला है, तो मैं आप लोगों का जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और फोटो आप लोग जो है लेकर चले जाइएगा अपना जो है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या आज पैक कर लेना है अपना बैग, ठीक है। कई लोग आज रवाना होंगे इसलिए आज कर लेना, और बाकी के कल कर ही लेंगे जो आज ये वीडियो देख लेगा, क्योंकि ये जो है वीडियो कल आएगी शायद, क्योंकि आज मैं इसको अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये वीडियो कल आएगी, मतलब कि 24 तारीख को आप लोग ये वीडियो देखेंगे,
ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या पैक करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड प्लस एक फोटो उस पर चिपका लेनी है, और एक फोटो चिपका लेनी है प्लस एक फोटो और रख लेनी है। दूसरी बात की बात करें तो आधार कार्ड, और आधार कार्ड अगर नहीं है तो आप लोग ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर देखिए पहली बात एडमिट कार्ड प्लस एक फोटो, दूसरी बात आधार कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड नहीं है तो 10th की मार्कशीट ले लीजिएगा, मूल निवास की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ये ओरिजिनल 10th की मार्कशीट चल जाएगी, ठीक है, हो गई। तीसरी अगर बात करें यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए तीसरी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जो अपने ड्रेस कोड का भी थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा मेटेलिक चीज पहन कर ना जाएं, कड़ा वड़ा अगर कोई कड़ा वड़ा पहन कर जाता है तो आप लोग, अगर कोई जैसे कोई होता है ना भगवान का होता है तो आप लोग जाइए और थोड़ा पहले पहुँच जाइए, जैसे आप लोगों का जो एंट्री है 12 बजे ली जाती है तो 11 बजे पहुँच जाइए, और जहाँ पर वो जो गेटमैन होता है मतलब कि जो एंट्री वाला लेने वाला होता है उससे आप लोग जाकर बोल दीजिए कि ये हमारा जो है उसका भगवान जी का है, तो आप लोग एक बार कोई चेक वेक कर लीजिए, अगर आप लोगों को कोई करना है तो वो आप लोगों की अलग से चेक करते हैं थोड़ा और आप लोगों को जाने देते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। और बात करें कि एग्जाम पर जो एग्जामिनर होते हैं, बात करें एग्जाम पर जो एग्जामिनर होते हैं, जैसे अपने कोई अपने जो पेरेंट्स होते हैं, और अगर मान लीजिए आप लोग एग्जामिनर हो, ऐसे मान के देखिए, अगर आप लोग एग्जामिनर हो तो आप लोग कितनी सख्त बरतोगे भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग उसका सॉल्यूशन तो करोगे ना, उसी तरीके से है एग्जामिनर भी, आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना है कि ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे, आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों को जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें, ठीक है, ज़्यादा कोई ड्रेस कोड में है नहीं, सैंडल पहन कर जाइए और अपना जो है शर्ट डाल के जाइए, पैंट हो सके तो सादा, या फिर जींस का आप लोगों के पास में है जींस का भी पहन कर जा सकते हैं, जींस के में आप लोगों को सर्दी कम लगेगी, ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो, और हाँ, और पढ़ाई की और बात कर देता हूँ, देखिए एग्जाम से एग्जाम देने जाने से पहले, एग्जाम देने से देने जा रहे हैं उससे पहले क्या क्या पढ़कर जाएं, तो एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो उससे पहले आप लोग ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग जरूर पढ़कर जाएं, ठीक है। एक तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर जाना आज, और वहाँ पर मैंने एक बताया है कि तुक्का कैसे लगाएं, वो वीडियो आप जरूर देख कर जाएं, पहली बात तो वो वीडियो जरूर देख कर जाएं भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो वीडियो जरूर देख कर जाएं, क्यों, क्योंकि उससे आपके 5 से 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप लोगों को नहीं भी आते हैं तो भी, तो वो वीडियो जरूर देख कर जाएं। साथ ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैं जिसका टाइटल पर सॉरी मैंने जो थंबनेल है उस पर लिख रखा है 2014 से 2021 तक के सभी मॉडल पेपर सॉल्व, उस और उस पर एक साइड मेरी फोटो लग रही होगी इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल शो कर रहा होगा, तो उस तरीके वो जो वीडियो है वो भी आप लोग जरूर देख कर जाएं, ठीक है। उसमें मैंने केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन करवाया था चैप्टर नंबर 1 से 10 तक का, और उस वाली जो वीडियो थी यानी वो जो मेरी वीडियो थी उस पर जो है 1K व्यू हो चुके हैं, मतलब कि उस पर जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया है, और वो जो वीडियो है उस वीडियो से मैंने जब उसको देखा कि भाई इस पर इतने ज़्यादा व्यू कैसे आ रहे हैं, तो मैंने जब देखा तो उस पर मैंने देखा कि 2020 का जो पेपर था, 20 का जो मॉडल RUHS का जो पेपर था उसमें से वो जो वीडियो बनाई थी उसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो RUHS का जो पेपर आया था 2020 का उसमें मिल रहे थे, और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये जो वीडियो है आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख कर जाएं। और अब पढ़ के क्या क्या जाना है, क्योंकि वो जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आप लोगों का क्या 2020 का पेपर भी सॉल्व हो गया था आधा सा, तो और साथ में आप लोगों का जो किताब थी बुक RBIC की बुक उसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए थे मैंने, इसलिए वो वीडियो भी आप लोग देख जाना, ठीक है। और मैंने एक फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सूत्र वाली वीडियो बनाई है वो वीडियो भी देख के जाना, साथ में अगर आप लोगों के पास में विजय एजुकेशन एंड न्यूज के मॉडल पेपर है तो वो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो जो विजय एजुकेशन एंड न्यूज के जो मॉडल पेपर हैं वो जो है तीनों बुक है अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उनके जो MCQ है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है पीछे के वो सारे क्वेश्चन उसमें है, बाकी और कुछ नहीं है उसके अंदर, जो पीछे के अपने जो बुक आती है RBIC की उसके पीछे के जो MCQ है MCQ वो उन्होंने जो मॉडल पेपर में छाप दिए हैं, ठीक है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये रहे मेरे WhatsApp नंबर 9828306598
2830-6559 पर मैसेज कीजिए कि सर मॉडल पेपर भेज दीजिए आप लोगों को। मैसेज करते ही तुरंत आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बट शर्त ये है कि ये जब मिलेंगे मॉडल पेपर, जब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और वो घंटी बटन होती है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर रखा होगा, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा, तो ही आप लोगों को ये मैसेज करते ही फटाफट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, अब आप लोगों के लिए ये जो क्लास है यानी कि ये जो वीडियो है ये जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए आखिरी वीडियो है, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने हमको थोड़ा देखकर जलन महसूस किया, जिन्होंने हमको कुछ भी किया उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम के लिए तो सबको बधाई देना चाहेंगे। तो आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया हो नहीं किया हो सबको हम बधाई देते हैं। और आप लोगों से हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं जो 10th या 12th क्लास में हैं तो उनका हम जो है रिविज़न चालू करवाएंगे, 10th और 12th का रिवीजन चालू करवा रहे हैं। तो आप लोग जो अपने छोटे भाई बहनों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं तो हम जो है 10th और 12th का जो एनसीईआरटी का रिवीजन चालू कर रहे हैं, और टारगेट रखेंगे कि एक महीने में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम जो है रिवाइज करवा सके। तो आप लोग हमारे चैनल से आपके जितने भी भाई बहन हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, और ये आप लोगों के लास्ट वीडियो रहेगी। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट बनाया, बहुत बहुत थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।